Subscribe my channel Ambi News Presenting and press the bell icon to never miss a video from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे महत्वपूर्ण राज्य स्तर उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहां की 80 लोकसभा सीटों के चुनाव के बाद सरकार का निर्णय होता है। इसी वजह से बीजेपी इन सीटों पर चुनाव प्रत्याशियों को चुनकर ही उतारती है। इसी वजह से भाजपा ने इस बार गोरखपुर से एक बड़ा चेहरा उतारने की तैयारी की है। हो सकता है कि पीएम मोदी उस चेहरे को गोरखपुर से टिकट दे दें। इस दिक्कत के टिकट देने के बाद सपा बसपा को हो सकता है काफी नुकसान। यूपी में सबसे ज्यादा सभा सीटें, इसी को मद्देनजर रखते हुए सपा बसपा एकत्र हुए हैं। भाजपा की मुसीबत बढ़ गई है। हर सीट पर दोनों पार्टियां अपने दावेदारी ठोक रही हैं। अखिलेश मायावती का गठबंधन ये बात खुद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी स्वीकार कर रहे हैं। इसी वजह से पार्टी यूपी में पूरा जोर लगा दिए हैं। आइए जानते हैं कौन है दिग्गज अभिनेता जिसे दे रही है बीजेपी टिकट। timesnow.com के मुताबिक पार्टी जिस मशहूर चेहरे को टिकट दे रही है वो अभिनेता भाजपा नेता रवि किशन है। रवि किशन साल 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले वह पिछले लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। मोदी इस बार योगी के गोरखपुर से इनको टिकट दे रही है। timesnow.com के मुताबिक रवि किशन यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। पिछली बार वो जौनपुर से चुनाव हार गए थे। जौनपुर से इनको मिली थी हार। timesnow.com के मुताबिक रवि किशन यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। पिछली बार वो जौनपुर से चुनाव हार गए थे। इसी वजह से भाजपा इस बार इनको गोरखपुर सीट से उतार रही है, क्योंकि महज 4% लोग ही इनको वोट दिए थे पिछली बार जौनपुर से। पूर्वांचल का होने और मशहूर चेहरा की वजह से उनको योगी के गढ़ गोरखपुर से पार्टी टिकट दे रही है। हालांकि अब तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, रवि किशन के बारे में आपका क्या कहना है? कि आप अपनी सीट से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। न्यूज़ अच्छी लगे तो न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।